नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। मैं बहुत देख रहा हूँ यार, ये आदि पुरुष रिलीज हुई है तब से। फलाना है आदि पुरुष, ढिमकाना है आदि पुरुष। कोई बोल रहा है कि आदि पुरुष ऐसी है, कोई बोल रहा है कि ऐसी है, 600 करोड़, फलाना करोड़। मतलब कंट्रोवर्सी तो चली रही है। उसके बाद जैसा कि बायकॉट का मैंने देखा कि हैशटैग बायकॉट आदि पुरुष हो रहा है, तो मैंने सोचा कि यार कुछ तो बात है। आखिर है तो रामायण से। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि रामायण से प्रेरित है, ये रामायण नहीं है। लेकिन अगर उसमें सीता हरण हो रहा है, श्री रामचंद्र जी का कैरेक्टर कुछ लोग कर रहे हैं, तो ये रामायण ही है। तो आज की वीडियो में बने रहो मेरे साथ, ऐसी रिव्यू देने जा रहा हूँ, प्रूफ के साथ दूंगा। ऐसा नहीं है कि देख के आया, कुछ और बोल दूंगा, कुछ और आप लोग इमेजिन कर लो कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ होगा। नहीं, जो भी दूंगा प्रूफ के साथ दूंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, पूरा वीडियो देखिए। देखने के बाद कमेंट करके जाइए कि क्या ये रिव्यू आपके लिए नॉलेजेबल रहता है कि नहीं रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चंदना चंदना दोस्तों चलो शुरू करते हैं रामायण के मुख्य किरदार यानी कि हीरो प्रभासना से। राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार। यार ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई सस्ता नशा कर लिया हो प्रभास ने एकदम से। ये क्या है भाई? ये साला, ये क्या लक्ष्मण रेखा है? ये लक्ष्मण रेखा काम वो महामहिम सम्राट के बीच का जो अरे रक्षा कवच होता है ना शक्तिमान में, वो लग रहा है यार ये तो। अपनी शक्ति पहचानो बजरंग। इसको देखो, ये कहीं से भी बजरंगबली लगता है क्या यार? ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। ये डायलॉग देख के तुमको कुछ याद आया? अगर से तुमको नहीं आया तो मैं बताता हूँ ये कहाँ का डायलॉग है। और उससे पहले तो यार ये कहीं से राम नहीं लग रहा है यार। ये प्रभास क्या कर दिया, बाहुबली से उठ के सीधा यहाँ पे कूद गया। और हाँ, ये जो डायलॉग बोल रहा है ना, वो इसने भी उठाया है बाहुबली की मूवी से। देखो पहले बता। तो जैसा कि आप जानते हैं यार, ये बाहुबली मूवी में एनकरेज कर रहा था कि लड़ने के लिए। ठीक है यार, बाहुबली तक ठीक है यार सालों, लेकिन रामायण में खैर चलो कोई बात नहीं यार। इस मूवी में जो राम का सीन है, जो भी रामायण बनाया है इन लोगों ने, इससे लाख गुना अच्छा। तो बस वो दो तीन मिनट का सीन है जो RRR मूवी में रामचरण ने किया है, उसको देख के फीलिंग आ जाती है यार कि हाँ सच में यार राम रामचंद्र जी का रोल हुआ है उसमें। और सच में VFX तो जो 600 करोड़ वाली VFX से करोड़ों गुना अच्छा है यार। तो क्या सोच के बना दिए, मतलब हक दिए यार। तो चलो यार, अब तक तो था ये कुछ क्लिप्स का कंपैरिजन हो रहा था कि कैसा क्लिप्स है, कैसा VFX है, क्या है। लेकिन अब कुछ कुछ डायलॉग्स है जो काफी चर्चा में है आजकल, देख लेते हैं वो कि कौन कौन से डायलॉग हैं। पहला डायलॉग जो है इन्होंने लिया है अक्षय कुमार की, वो मीम है जिसमें जली ना तेरी भी जली ना कि जब लंका में वो हनुमान जी के पूंछ में जो भी आग लगाने वाले रहते हैं, तो मेघनाथ बोलता है जली ना अभी तो और जलेगी। मतलब क्या है यार, पर हाँ हंसी तो आएगी। दूसरा जो डायलॉग है वो मुझे सबसे, मतलब ये क्या उस पे कॉन्सेंट्रेट करने वाला डायलॉग है, आप भी सुनिएगा। उसमें क्या बोलते हैं हनुमान जी हमारे जो भी बना हुआ है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, मैं खुद जोड़ रहा हूँ, लंका तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की। क्या है ये टपोरी डायलॉग्स यार। हद तो तब हो गई जब हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका में, और वहां का एक रखवाला जो है वो ऐसा बोल रहा है कि क्या है बगीचा तेरे बुआ का है क्या, घूमने चला आया। मतलब क्या है यार, अगर जैसे हमारे यहाँ कभी कभी होता है कि टक्कर हो जाती है ट्रैफिक वगैरह में, तो बोलते सड़क तेरे बाप की है जो इधर से उधर जो भी होता है। क्या है यार, एक तो ऐसे ही ऑलरेडी हमारे जो भी यंग हो गए हैं उनको लगता है कि नहीं रामायण कुछ ये गलत है वो गलत है। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कुमार विश्वास की ये अपने अपने राम में। तो इस मूवी को देखने के बाद क्या ही सोचेंगे यार जिन्होंने राम रामचरितमानस पढ़ा नहीं है, या फिर जो भी वो रामानंद सागर की रामायण देखा नहीं है, वो लोग पहले बार देख के यही तो समझेंगे ना कि ये कॉमेडी मूवी है। ऐसा ही हुआ होगा। अब तक का सबसे खराब यानी कि
बेकार डायलॉग मैंने अभी तक नहीं सुना। वो था जब लक्ष्मण जी को वो सांप वाला जो भी बाण छोड़ता है ना मेघनाथ, और एक छोटा सा सांप आके लग जाता है जिसे जहर फैल जाता है और वो मूर्छित हो जाते हैं, तो उस पे जो बोलता है कि मेरे एक सांप ने तुम्हारे सब पोले को लंबा कर दिया। इससे ज्यादा टपोरी लैंग्वेज हो क्या सकता है? हमारा हिंदू ग्रंथ, सांस्कृतिक भाषा यूज होनी चाहिए उसमें, जिसमें इसने टपोरी का भाषा डाल दिया। जैसे मैं कोई भोजपुरी का डायलॉग है ना, ले दुई थापर अबे उजर हो जी पर, ये क्या है? मतलब ऐसा ही तो हुआ ना, मेरे एक सांप ने तुम्हारे सब पोले को लंबा कर दिया। कुछ लोग इस पे मीम डाल रहे हैं कि वो एक गुंडा मूवी में है ना कि मैं लंबू ने तुझे लंबा कर दिया, सपोले और माचिस की तीली को खंबा कर दिया। मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत जगह वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये तो गलत है यार, ये बहुत गलत है। और ये जो भी मनोज मुंतशिर है ना, इसको रोड पे पकड़ के मारना चाहिए। एक और सिमिलर डायलॉग, जब हनुमान जी वापस लंका से लंका जला करके आते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है क्या हुआ है जो भी, तो वहाँ पे बोलते हैं कि हमने भी बता दिया कि जो हमारी बहन बेटियों को छुएगा हम उसकी लंका लगा देंगे। लंका लगाना होता क्या है? क्या मुहावरा हो रही है क्या? हाथ पैर फूल जाना, लंका लगा देंगे, हाथ पैर फूलना, क्या ये? लंका में क्या लगा दोगे भाई? लंका क्या है, क्या लगा दोगे? डायलॉग का कुछ सेंस होना चाहिए यार। क्या गांजा फूक के डायलॉग लिख रहे थे क्या? पता नहीं कौन सा सस्ता नशा किया है यार इसने लिखने से पहले। तो यार डायलॉग्स तो बहुत सारे हैं, बहुत कुछ हम कह सकते हैं इस मूवी के बारे में, लेकिन यार जैसे जैसे हम कहते जाएंगे वैसे वैसे दिमाग ख़राब होता जाएगा और पता ही है कि इधर उधर निकल जाएगा हमारे मुँह से, तो ये लोग भी लंबा हो जाएंगे, कोई किसी की जलेगी। तो बेटर है कि चलो भाई इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आपको भी ये मेरा जो रिव्यू है अच्छा लगा है, अच्छा लगने का मतलब ये है कि देखो यार ये तो अपनी अंदर का जो गुस्सा है ना वो भड़क के निकल रहा है कि हम 6 महीने तक वेट किए कि अच्छी मूवी आएगी और लास्ट में क्या किया, तुम रामायण के नाम पे आके हक दिए, क्या है ये? ऐसे थोड़ी ना होता है यार, कुछ भी कर लोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो बस अभी इतने, तो बस अभी आज अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो सच में अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करो यार, छोटे यूट्यूबर को भी बढ़ाना चाहिए, छोटे से बड़े होंगे, बड़े को तो सब्सक्राइब कर ही लेते हो यार, लाइक कर ही लेते हो। जो छोटे लेवल पे है, जो अभी चाहते हैं कि उनका चैनल ग्रो हो, तो कमेंट करो, फीडबैक दो, जो गलत है वो बता दो, क्या अच्छा नहीं लगा वो भी बता दो। लेकिन ऐसा क्या इग्नोर करके चले जाओगे यार, ऐसे तो नहीं होता है ना मेरे भाई, प्लीज़। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जयराम जी की।